फिल्मोरा 13 को बाय करना चाहते हो लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, लाइफ टाइम प्लान लेना चाहिए या फिल्मोरा का एनुअल प्लान लेना चाहिए। कई लोग तो जल्दी कर फिल्मोरा का लाइफ टाइम प्लान ले लेते हैं लेकिन जब उनको ये एक बात का पता चलता है तब वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो एक बात क्या है जिससे लाइफ टाइम प्लान लेने वाले यूजर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, आप लोगों को कौन सा प्लान लेना चाहिए और मैं प्लान कौन सा यूज करता हूँ, उन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप लोग फिल्मोरा की वेबसाइट को पढ़ाकर इसकी प्राइसिंग को चेक करें यहाँ पर आप लोगों को 3 प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन प्लान, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लान और प्रीप्यूटल प्लान जो कि लाइफ टाइम प्लान भी आप लोग कह सकते हो। काफी ज्यादा लोग जल्दी में आकर इस प्लान को बाय कर लेते हैं लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको बाय नहीं करना। और वो एक बात क्या थी जिससे फिल्मोरा के यूजर इस प्लान को बाय करने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा और नाराज हो जाते थे, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो है फिल्मोरा का 13 वर्जन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्लान को बाय कर लेता हूँ, इस प्लान को बाय करने के बाद मैं सिर्फ फिल्मोरा 13 की अपडेट्स ले सकता हूँ लेकिन जब भी फ्यूचर में फिल्मोरा 14 फिल्मोरा 15 आएगा तो मैं उसके ऊपर इस प्लान को एक्टिव नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। कई लोग तो यहाँ पर आकर इसको रीड ही नहीं करते, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता देगा। अगर आप लोग और डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंजॉय फिल्मोरा 13 अपडेट्स, यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा कि लाइफ टाइम अपडेट्स। लेकिन अगर आप लोग दूसरे प्लान को देखोगे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कीप अप टू डेट विद फ्यूचर वर्जन, कि आप लोग फिल्मोरा 14 के ऊपर भी अपडेट कर पाओगे, फिल्मोरा 15 के ऊपर भी अपडेट कर पाओगे और फ्यूचर में आने वाले जितने भी फिल्मोरा के वर्जन हैं उनके ऊपर आप लोग अपडेट कर पाओगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन प्लान, हम लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे मंथली और ईयरली। मंथली हम लोग यहाँ पर $20 और ईयरली $50। अगर आप लोग इसको बाय करोगे तो इसको आप लोग सिर्फ विंडोज के ऊपर ही रन कर पाओगे, फिल्मोरा की और किसी भी ऐप के ऊपर रन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लान को यूज करोगे तो यहाँ पर आप लोग एक साल के लिए $70 पे करोगे, विंडोज पीसी मैक आईफोन एंड्रॉइड आईपैड और एंड्रॉइड टैबलेट के ऊपर आप लोग सिर्फ एक आईडी को यूज करके फिल्मोरा के जितनी भी एप्लीकेशन है उनको यूज कर पाओगे अगर आप लोगों ने इस प्लान को बाय किया है तो। इसके अंदर आप लोगों को थोड़े से ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं लाइक फ्यूचर की अपडेट्स तो आप लोगों को मिलेंगे, विदाउट वाटरमार्क अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाओगे और अनलिमिटेड एआई क्रेडिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग लाइफ टाइम प्लान बाय करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 2000 एआई क्रेडिट्स ही देखने के लिए मिलेंगे फिल्मोरा के। अगर आप लोग फिल्मोरा का लाइफ टाइम प्लान बाय करते हो तो उसके अंदर भी आप लोग एक डिवाइस के ऊपर ही उसको रन कर पाओगे जो जिसके ऊपर आप लोगों ने बाय किया होगा लाइक विंडोज या मैक। और उसके बाद आप लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हम लोगों को मिलेंगे, कौन कौन से प्लान के अंदर हम लोगों को कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो आप लोग फ्री एडिशन के अंदर आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे और इन तीनों प्लान के अंदर आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कंप्लीट यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है इस वेबसाइट के पेज के ऊपर, तो आप लोग इसको चेकआउट जरूर कर लेना फिल्मोरा को बाय करने से पहले। तो अब बात करते हैं कि मैं कौन सा प्लान यहाँ पर फिल्मोरा का यूज करता हूँ। तो एक प्लान तो मैंने आप लोगों की तरह यहाँ पर जल्दी में आकर लाइफ टाइम प्लान को बाय किया था एक आईडी के ऊपर। ये प्लान मैंने तब बाय किया था जब फिल्मोरा 12 लेटेस्ट था, तब फिल्मोरा 13 लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन अब फिल्मोरा 13 लॉन्च हो चुका है तो इसके अंदर मैं अपनी उस जीमेल आईडी को या उस अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकता। लॉगिन तो कर सकता हूँ लेकिन उसके अंदर मैं क्या क्या फीचर्स को यूज कर सकता हूँ उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप लोग फिल्मोरा 13 के अंदर मिस्टर बीस्ट जैसे कुछ इस तरह के सबटाइटल क्रिएट करना चाहते हो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना, और फिल्मोरा ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हो तो ये रही प्लेलिस्ट फिल्मोरा ट्यूटोरियल्स की, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।